ट हो गया ठीक है उसके बाद से देखिए क्या करना है अब यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ से बीचों बीच में आना है स्लिप स्टिच लेना है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए चेन बनाना है थ्री का और यहाँ पे फिर से बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया तो वन ठीक है टू हो गया हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सुनाज क्रिएटिविटी तो फ्रेंड्स आज आपके साथ शेयर करेंगे देखिए इस वाले थालपोस का नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था ये टमाटर कैसे बनाएंगे सारा हमने आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बहुत सारे बना के दिखाए थे आपको अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट्स करिएगा तो मैं फिर से आपको इसको बनाना बता दूँ क्योंकि अभी बहुत स्पेस में बाकी है टमाटर बनाने के लिए देख सकते हो आप लोग ये अभी उतना ज़्यादा बना नहीं है तो अभी बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है तो इसको भी सबको कवर करना है तो इसी बीच आप लोग को हम बता सकते हैं कि किस तरीके से थालपोस डिजाइन में ये टमाटर को अटैच करेंगे ठीक है तो बने रही देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो स्टार्टिंग इस स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसको हम बना के के आपके साथ शेयर करेंगे बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि स्टार्टिंग का बताइए टमाटर वाला थालपोस कैसे बनेगा तो चलिए अभी हम इसकी स्टार्टिंग का ये बता के दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे ठीक है उसके बाद से फिर ये सारा बनता हुआ चला जाएगा उसके बाद इसमें कलरफुल जिस कलर का भी आपको भरना है टमाटर या बोल लीजिए लीची जिस तरीके की आपको बना के कंप्लीट करनी है आप इसको बना के कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद और कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है पिंक और ग्रीन कलर का कलर कॉम्बिनेशन है ठीक है तो चलिए अभी इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए हम ग्रीन कलर का ही यूज़ करेंगे जैसे हमने इसको ग्रीन से बनाया सेम वैसे ग्रीन कलर से बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले देख सकते हैं आप हम यहाँ पे ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे और बनाएंगे एक मैजिक रिंग इस तरीके से ठीक है और यहाँ से थ्रेड को हम इसमें से निकाल के यहाँ पर लगाएंगे एक ये नॉट और उसके बाद से देखिए यहाँ पे लगाएंगे थ्री चेन वन टू थ्री का चेन लिया और यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये टू हो गया ठीक है चेन को लेकर के और ये थ्री हो गया है ना तो ये हमने इस तरीके से बना लिया है तो टोटल इसमें कितने बनाने हैं हमें ट्वेंटी बनाने हैं फाइव बनाएंगे तो ट्वेंटी बनाएंगे ठीक है तो चलिए बना लेते हैं अभी देख सकते हैं यहाँ थ्री हो गया ना थ्री डबल क्रोशेड बनाया थ्री के बाद ये फोर बना लिया फ़ोर के बाद ये फाइव बनाया ठीक है फाइव के बाद सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन ये हो गया ट्वेल्व यहाँ से ठीक है थर्टीन फोर्टीन इसको टाइट करते जाइएगा ये हो गया फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन और ये हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी का चेन बना लिया हमने देख सकते हैं आप लोग अब इस धागे को पकड़ के इस तरीके से टाइट खींच लेंगे देखिए ठीक है अब ये हमने यहाँ पे टाइट धागे को खींच लिया है अभी इसको साइड करते हैं और यहाँ पे लगाएंगे स्लिप स्टिच देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली चेन का थर्ड वाला चेन है ना यहाँ पे ये देखिए स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पे ठीक है अब यहाँ से देखिए क्या करना है ये इसको टाइट कर लीजिएगा और तो यहाँ से वन टू थ्री का चेन लेंगे ठीक है और उसके बाद से अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बना तो यहाँ पर बनाएंगे वन चेन को लेकर के टू हो गया ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया तो फोर डबल क्रोशिया हमने बना लिया यहाँ पर ठीक है उसके बाद से फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं चेन लेंगे ठीक है वन और फिर से टू स्किप करके सॉरी फोर वन टू थ्री और ये फोर फिर एक चेन ले लीजिए और फिर यहाँ से टू स्किप करके बनाइए वन टू थ्री फोर ठीक है देख सकते हैं आप लोग ये इस तरीके से तो टू को स्किप किया देखिए यहाँ भी टू स्किप किया है यहाँ भी टू स्किप किया है और इस तरीके से हमको कितने बनाने हैं टेन बनाने हैं ठीक है थीके? देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बनाने ना तो इसी तरीके से टेन बना लेते हैं फिर दिखाते हैं कैसे क्या करना तो फिर से वन चेन ले लीजिएगा टू स्किप करके यहाँ से बनाइए फिर यहाँ पर फोर डबल क्रोशिया वन टू थ्री वन फोर फोर बना लिया फिर से टू का चेन लेंगे इस तरीके सॉरी वन का चेन टू स्किप करना है ठीक है टू स्किप किया और फिर से यहाँ पे बनाएंगे वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया और ये फोर डबल क्रोशिया तो इसी तरीके से हम टेन बना लेते हैं ठीक है अभी कितना बनाया हमने फाइव बना लिया है और फाइव इधर और बनेगा फिर आपको दिखाते हैं कैसे इस तरीके से हमने इसको बना के फाइनली कंप्लीट कर ले देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बनाया है वन चेन लेंगे और जस्ट इसकी दो स्किप करके फिर से यहाँ पे बना लेंगे हम फाइव फोर डबल क्रोशिया ठीक है वन टू ठीक है थ्री और वन फोर तो फोर बना लिया हमने डबल क्रोशिया ठीक है टू टू को स्किप करते हुए अब यहाँ पे वन का चेन लेंगे और यहाँ पे जो लास्ट वाली जो चेन है ना थर्ड वाली यहाँ पे लगाएंगे स्लिप स्टिच देख सकते हैं आप लोग ये फाइनली ये बीच का पार्ट कंप्लीट हो गया ठीक है उसके बाद से देखिए क्या करना है अब यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ से बीचों बीच में आना है स्लिप स्टिच लेना है यहाँ पर और यहाँ थ्री का और यहाँ पे फिर से बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया तो वन ठीक है टू हो गया ये थ्री हो गया चेन को लेकर के और ये फोर हो गया ठीक है अभी यहाँ से हम बीच में वन टू का चेन लेंगे एक चेन बढ़ा देंगे और जो यहाँ पे इसको हम बना लेंगे फोर का सिक्स कर लेंगे ठीक है तो जो लास्ट वाली चेन है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा वन डबल क्रोशिया सेम स्पेस से एक और वन डबल क्रोशिया ठीक है तो यहाँ पे हो गया बाकी सब में वन डबल क्रोशिया वन टू ठीक है और फिर से यहाँ से लास्ट वाले में वन डबल क्रोशिया उसी स्पेस से एक और बना लीजिएगा टू डबल क्रोशिया तो देखिए ये सिक्स हो गया ना थ्री इधर और थ्री उधर सिक्स हो गया फिर यहाँ से टू का चेन लेंगे और फिर इसके बीचों बीच में डालते हुए बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया देखिए देखे। वन डबल क्रोशिया ठीक है टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया और ये फोर डबल क्रोशिया ये हमने बना लिया यहाँ पर और फिर से यहाँ से टू का चेन लेंगे और फिर से फोर का सिक्स करेंगे देखिए एक बार में मैं फोर डबल क्रोशिया बनाना है एक बार में इसका सिक्स करना है फोर फोर का ही बनाया था हमने तो सेम यही रिपीट करते हुए चले जाना है पूरा जा, राउंड ठीक है तो इसी तरीके से इसको कंप्लीट करके देखेंगे बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल्टर वाला स्पेस है ये जो हम बनाएंगे और ये जो हमारी लड़ी जा रही है सीधी ये वाली देख सकते हैं आप लोग ये वाली ये बनाएंगे इसको हम और ये टमाटर वाला है जो कि फंदे हम ये बढ़ा रहे हैं ये वाला ठीक है देखिए कितना ईजी इसको बना के कम्प्लीट करना सेम फिर से यहाँ से टू का चेन लीजिएगा और इसके बीचों बीच में फिर से बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया ठीक है थ्री डबल क्रोशिया क्रोशिया अगर आपको सिक्स का बनाना है तो आप फंदे बढ़ा लीजिएगा अब हमने यहाँ पे ट्वेंटी के तो आप ट्वेंटी टू कर लीजिएगा तो आपका सिक्स का कंप्लीट हो जाएगा फिर का टू का चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम बनाएंगे वन डबल क्रोशिया उसी स्पेस से एक और बना लेते हैं वन डबल क्रोशिया फिर से वन डबल क्रोशिया ठीक है और फिर से वन डबल क्रोशिया और फिर से वन डबल क्रोशिया और उसी स्पेस से बनाएंगे एक और वन डबल क्रोशिया देखिए ठीक है फिर यहाँ से टू का चेन लेंगे और फिर से यहाँ हम बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया यानी कि फोर के ऊपर फोर का डबल क्रोशिया बना लेते हैं तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया है थोड़ा सा और बचा है तो इसको हम कंप्लीट करके आपको फिर दिखाते हैं ठीक है तो इसी तरीके से आपको थर्ड वाली रो भी यानी कि इसकी फोर्थ वाली रो हमने थर्ड रो तक तो आपको बता दिया है फोर्थ वाली रो तक का आपको हम समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम ठीक है वन टू थ्री फोर ठीक है तो चलिए अभी कंप्लीट करके आपको फाइनली हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया ये देखिए वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री वाली रो भी कंप्लीट हो गई है फिर से यहाँ पे हम लगाएंगे स्लिप स्टिच ये देख सकते हैं तो ये देखिए बीच बीच में ये लरी बनती जाएगी और फिर से यहाँ से इसको बीच में करके स्लिप स्टिच लगा के इस तरीके से करेंगे और यहाँ से थ्री का चेन लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे फोर डबल क्रोशिया ठीक है ये लरी है जो बनाते हुए हम चले जाएँगे देखिए वन हो गया आपको यहाँ पर इजली अब समझ में आ जाएगा ठीक है कि किस तरीके से इसको हम बना के कम्प्लीट कर रहे हैं ये हो गया ठीक है थ्री चेन को लेकर के और ये हो गया फोर तो यहाँ पे हमने फोर डबल क्रोशिया बनाना है चेन हम टू का ही रखेंगे अगर आवश्यकता लगी या ज़्यादा लगा मतलब कि हमें तो फिर हम बढ़ा भी सकते हैं अभी बढ़ा नहीं रहे वैसे अब यहाँ पे फिर से एक एक फंदे बढ़ाएंगे इंक्रीज करना है तो यहाँ पे देखिए दो और, और फिर सिंगल सिंगल सब बनाइएगा वन डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया ठीक है फिर से यहाँ से वन डबल क्रोशिया और यहाँ पर बनाएंगे वन डबल क्रोशिया और उसी स्पेस से एक और बनाएंगे वन डबल क्रोशिया ठीक है देख सकते हो आप लोग ये टमाटर वाला स्पेस बन रहा है और ये हमारी लड़ी तो बन बनती जा रही देखिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को ये देखिए इस तरीके से बन रहा है ना ये हमने पहले बताया अगर आप इसको मैजिक रिंग ना बना करके आप चेन लेके बनाएंगे तो उतने फंदे ही रखिएगा तो भी हो जाएगा लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे मैजिक रिंग बना के यहाँ पे स्टिच किया तो आपको ये जो गैप है यहाँ का नहीं दिख रहा होगा ठीक है ना तो आप जिस तरीके से मन करें उस तरीके से बना सकते हैं कोई वो नहीं है कि बहुत ही टिपिकल है बहुत कठिन है फिर यहाँ से टू का चेन ले लीजिएगा और फिर से यहाँ फोर के ऊपर फोर डबल क्रोशिया देखिए वन टू ठीक है थ्री और ये फोर अब इसके नेक्स्ट हम आपको इसका नेक्स्ट वाला मतलब स्टार्ट करके दिखाएंगे इसका सेकंड पार्ट जिसमें कि ये और बढ़ेगा ना ये टमाटर और बढ़ेगा ये किस तरीके से आगे कैसे क्या करना है इसमें सारा कुछ आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे इस वाले वीडियो में हमने स्टार्टिंग का पार्ट आपको बता दिया है फिर से वन टू का चेन लेंगे और फिर से इसका डबल करेंगे देख सकते हैं आप लोग तो वन उसी स्पेस से बताएँगे टू बाकी सब में सिंगल सिंगल वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे वन ठीक है टू थ्री फोर ठीक है फोर हो गया और देख सकते हो ये देखिए आप लोग फोर कलर थोड़ा सा ये इतना डार्क कलर नहीं है ठीक है शाइनिंग वाला नहीं है बहुत सिंपल सा कलर है ग्रीन में है तो ये देखिए ये बना लिए फिर टू का चेन लेंगे और ये फिर जो ये लरी बनानी है बना लेंगे वन डबल क्रोशिया ठीक है टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया वन फोर डबल क्रोश तो यही पैटर्न है फ्रेंड्स बहुत ही इजी बहुत सिंपल है देख सकते हैं आप लोग इसको इजिली आप लोग बना के कंप्लीट भी कर सकते हैं देखिये आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाएगा देखिए ये लरी चलती चली जाएगी ये वाली ये वाली ये टमाटर हमारे बन रहे हैं ना तो इस तरीके से अगर आपको फंदे कहीं भी ज्यादा कम दिखे हैं आपको लगे कि कम है ज़्यादा है तो आप फंदे बढ़ा के कंप्लीट कर सकते हैं देखिए बहुत ईजी तरीके में मैंने आपको बता के इसको दिखा दिया है कि इसी तरीके से आप लोग बना के कंप्लीट कर लीजिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही शेयर करना था फ्रेंड्स ठीक है तो सेम यही पैटर्न है इस तरीके से मैंने आपको बताया तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो समझ में आएगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा अच्छी लगती फिर भी लाइक शेयर जरूर करिएगा कमेंट्स कर दीजिएगा प्यारे प्यारे से और फ्रेंड्स के साथ अगर यूज़फुल लगती है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसके थीके? नेक्स्ट पार्ट में ठीक है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय